Hey guys, this is Kunal and you guys are watching the Alpha Black. Realme ने Realme 3 Pro को बाजार में लॉन्च कर दिया है और इसकी सीधी टक्कर दोस्तों Redmi Note 7 Pro के साथ है जो कि सेम प्राइस पर बिक रहा है 13,999. दोनों में से कौन सा फ़ोन बेहतर है और आपको कौन सा फ़ोन खरीदना चाहिए, आइए जानते हैं. पहले बात करूँ दोनों फ़ोन्स के परफॉर्मेंस और प्रोसेसर्स की, तो Realme 3 Pro में आपको Snapdragon 710 प्रोसेसर मिलता है, वहीं Redmi Note 7 Pro में आपको Snapdragon 675 प्रोसेसर मिलता है. 710 प्रोसेसर जो है वो 10 नैनोमीटर का चिप है दोस्तों, और 675 जो है 11 नैनोमीटर का चिप है. अगर मैं दोनों चिप्स को कंपेयर करूँ तो Snapdragon 710 जो है वो मई 2018 में लॉन्च हुआ था, जबकि 675 जो है अक्टूबर 2018 में लॉन्च हुआ था. दोनों ही प्रोसेसर्स में जो फ़र्क आ जाता है वो चिप साइज़ का है, साथ ही इसकी क्लॉक स्पीड 710 की 2.2 गीगाहर्ट्ज़ जो कि ज़्यादा है 2.0 गीगाहर्ट्ज़ से, जो कि 675 की क्लॉक स्पीड है. तो ऑन पेपर तो 710 जीत जाता है, लेकिन जब हम एंटीटू बेंचमार्क्स की बात करते हैं तो 675 प्रोसेसर काफ़ी पीछे छोड़ देता है 710 प्रोसेसर को. उसका रीज़न ये है दोस्तों कि क्रायो 460 सीपीयू कोर्स यूज़ किए गए हैं 675 प्रोसेसर्स में, जबकि क्रायो 360 सीपीयू कोर्स यूज़ किए गए हैं 710 प्रोसेसर में, जो कि थोड़े स्लो हैं. अब बात करते हैं फ़ोन की परफॉर्मेंस की, तो गेमिंग के टाइम पर दोनों ही फ़ोन बढ़िया काम करते हैं. पबजी दोनों ही फ़ोन पर बहुत अच्छे से रन करता है, हाई ग्राफिक्स पे भी. असफॉल्ट 9 खेलने में भी हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं आई, असफॉल्ट 9 भी दोनों फ़ोन काफ़ी अच्छे से चला रहे थे. यहाँ पर थोड़ा सा रियलमी 3 प्रो जो है Redmi Note 7 Pro को पीछे छोड़ देता है, क्योंकि इसमें एड्रीनो GPU 616 यूज़ किया गया है, जबकि Redmi Note 7 Pro में GPU 612 यूज़ किया गया है. यहाँ पर तो रियलमी 3 प्रो जीत जाता है, लेकिन जब बात आती है असली परफॉर्मेंस की तो दोनों ही फ़ोन्स में बराबर हमें कोई लैग नहीं मिला, और जबकि दोनों ही फ़ोन में पबजी काफ़ी अच्छे से खेल पा रहे थे और असफॉल्ट 9 में खेलते हुए हमें कोई दिक्कत नहीं आई. Realme 3 Pro का दावा है कि इस पे आप Fortnite खेल सकते हैं, जो कि मेरे हिसाब से इतना कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि इंडिया में PUBG बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और लोग PUBG खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं, जो कि आप Redmi Note 7 Pro पे भी खेल सकते हैं. तो ये कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है, पर कुछ लोगों को अगर ये लगता है कि Fortnite उनको खेलना चाहिए और Fortnite इज़ अ बेटर गेम, सो आई थिंक Realme 3 Pro इज़ फॉर यू गाइज. डिस्प्ले दोनों फ़ोन में सेम है, 6.3 इंच का LCD डिस्प्ले जो कि 408 PPI पर है, और जिन पर फुल HD रेजोल्यूशन दिया गया है. दोनों फ़ोन का डिस्प्ले ऑलमोस्ट सेम है, दोनों फ़ोन में ड्यू ड्रॉप नॉच दी गई है. दोस्तों बात करें अगर फ़ोन के कैमरास की, तो Realme 3 Pro में आपको 16 मेगापिक्सल का बैक कैमरा मिलता है प्राइमरी सेंसर, जो कि काफ़ी पीछे है Redmi Note 7 Pro के 48 मेगापिक्सल सेंसर प्राइमरी सेंसर के आगे. हालांकि Realme 3 Pro का दावा है कि अल्ट्रा HD मोड में आप लोग फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं, जो आपको 64 मेगापिक्सल तक का फ़ोटो आपको दे देता है, लेकिन मैं अगर यहाँ पर रियली बात करूँ तो असल में क्या होता है दोस्तों, 16 मेगापिक्सल से वो 4 शॉट्स क्लिक करता है कैमराज में, और उन चारों को मर्ज करके एक 64 मेगापिक्सल का शॉट बनाता है, जो कि इतनी बेटर क्वालिटी नहीं देता है, जो कि Redmi Note 7 Pro का 48 मेगापिक्सल कैमरा आपको दे देता है. तो कैमरा के मामले में Redmi Note 7 Pro काफ़ी आगे Realme 3 Pro से, लेकिन फ्रंट शूटर की अगर बात करें तो Realme 3 Pro में आपको 25 मेगापिक्सल का फ्रंट शूटर मिलता है Redmi Note 7 Pro में, जबकि आपको सिर्फ 13 मेगापिक्सल का फ्रंट शूटर मिलता है. तो सेल्फी लवर्स के लिए Realme 3 Pro इज़ अ बिग डील, बिकॉज़ जब हमने सेल्फीज़ क्लिक किए तो Realme 3 Pro के सेल्फीज़ जो थे वो काफ़ी अच्छे थे Redmi Note 7 Pro से. साथ ही कंपनी Realme 3 Pro में आपको फास्ट चार्जिंग देती है, और दोनों ही फ़ोन्स में बैटरी कंपैरिजन किया जाए तो Realme 3 Pro में 4045 mAh बैटरी है, जबकि Redmi Note 7 Pro में आपको सिर्फ 4000 mAh की बैटरी मिलती है. साथ ही बात करूँ और डिफरेंसेस की, तो Redmi Note 7 Pro में आपको MIUI 10 मिलता है, जबकि Realme 3 Pro में आपको ColorOS 6 मिलता है.
इन माई ओपिनियन अगर मुझे दोनों में से कोई एक फ़ोन पिक करना हो तो आई विल डेफिनेटली पिक रेडमी नोट 7 प्रो, नॉट बिकॉज ऑफ इट्स गुड कैमरा बट ऑल्सो इट्स परफॉर्मेंस इज मच बेटर. सो आई थिंक रेडमी नोट 7 प्रो विल बी अ बेटर चॉइस अमंग द टू. लेट अस नो वॉट यू थिंक अबाउट द टू फोन्स इन द कमेंट सेक्शन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू अवर चैनल. थैंक्स फॉर वॉचिंग.